तो भाई लोग, सलमान खान की आने वाली 1000 करोड़ की मूवी जिसका टीजर या टाइगर का मैसेज जो भी आप बोल लो, उसका वीडियो यूट्यूब पे आ चुका है। इसमें बहुत सारे जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं और अच्छे स्पेशल इफेक्ट भी हमको नजर आ रहे हैं, जो कि आपकी दिवाली का सीन बना देता है। अब ये टाइगर का मैसेज हम लोगों को क्या बताता है, या इसके मैसेज ने पूरी मूवी का मिशन बता दिया है? तो चलिए करते हैं इसका एक जबरदस्त रिव्यू। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो जरूरी सब्सक्राइब कर देना। देखिए, टाइगर के अंदर जो सलमान खान कहते हैं, जो 20 साल सर्विस उन्होंने देश को दी है, अब उनको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अब भाई ये बात डायरेक्टली हमको मूवी का पूरा स्टोरी बता देती है कि इस पिक्चर के अंदर सलमान खान को एक आतंकवादी साबित कर दिया जाता है। टाइगर जो कि देश का सेवा करता है, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया है। अब भाई सलमान खान के अगेंस्ट पे खड़ी है एक पूरी की पूरी आर्मी। अब भाई देखना ये है कि कैसे टाइगर पूरी की पूरी आर्मी से लड़ाई करते हुए अपने आप को बेगुनाह साबित करता है और अपने बेटे को बताता है कि उसके पापा देशद्रोही नहीं बल्कि देश के हीरो हैं। और वही सलमान खान का वो डायलॉग तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, टाइगर जब तक मरता नहीं तब तक हारता नहीं। भाई साहब, ये जो टाइगर का मैसेज है, ये मैसेज है पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कि भाई जितने भी पिक्चर हैं सब अपने रिकॉर्ड को बचा के रखे, क्योंकि भाई सारा का सारा रिकॉर्ड चुटकियों टूटने वाला है। इस बार बॉक्स ऑफिस में किसी को भी रहम की भीख तक नहीं मिलेगी। टाइगर के सामने जो भी मूवी आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। तो भाई ये मैसेज आने वाली तबाही की वार्निंग है। तो भाई जितने भी मूवी दिवाली के आसपास रिलीज होने वाली है, आप लोग चुपचाप अपने रिलीज डेट को आगे कर दो या फिर धीरे से अपने बिल पे छुप जाओ। सलमान खान आपको इस मैसेज के अंदर भले ही कुछ देर तक ही फाइट करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन भाई वो फाइट बस एक अनाउंसमेंट है, अभी तो पूरी की पूरी मूवी आना बाकी है। और भाई वो सलमान खान जो मेसिंग गन को घुमा के चलाते हैं ना, वो सीन देख के तो भाई हर किसी का दिल खुश हो गया होगा। सलमान खान ये साबित कर देते हैं कि मास सिनेमा का बस एक ही किंग है और वो है सल्लू भाई, यानी कि सलमान खान। और जो शाहरुख खान का पिक्चर के अंदर कैमियो है, वो भी थोड़ा क्लियर होते हुए दिख रहा है कि सलमान खान को पिक्चर के अंदर जेल के अंदर बंद किया गया होगा और वहाँ टाइगर को बचाने के लिए पठान आएगा और उस सीन में भी आपको बहुत ही भयंकर भयंकर एक्शन सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई बाकी जो भी होगा दिवाली में देखा जाएगा, जिस दिन सलमान खान पूरे आर्मी के सामने और पूरे इंडियन सिनेमा के सामने बॉक्स ऑफिस में मेसिन गन लेके खड़े होंगे। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस सीन को देखने के लिए और आप लोग कितने ज्यादा पागल हो रहे हो टाइगर 3 को जल्दी से जल्दी दिवाली में देखने के लिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।